नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के एक खास सेगमेंट न्यूज रूम में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी कुछ खास और बड़ी खबरों से। चलिए जानते हैं क्या है वो खबरें। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 बेरोजगारों से 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग के सरगना समेत 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना खुद को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अधिकारी बताकर ठगी करता था। उसने डीआरएम भोपाल की फर्जी सील के साथ उनके साइन कर बेरोजगारों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया था। इतना नहीं, पीड़ितों को भरोसा जीतने के लिए रेलवे स्टेशन भोपाल का ट्रेनिंग के नाम पर विजिट भी करा चुका था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। डॉक्टरों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है, आदेश को पूरा पढ़ने के बाद फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बौरा समाज के धर्म गुरु सैयदाना साहब गुरुवार को 11:40 पर इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट से वे सीधे सुपर कॉरिडोर पर बने डोम पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में समाजजन उनके दीदार का इंतजार कर रहे थे। यहां समाजजनों को अपनी नूरानी कलमात सुनाने के लिए थोड़ी देर रुकने के बाद वे बेटमा के लिए रवाना हो गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसानों के बड़े वोटों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2024 फरवरी तक 15 लाख नए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के पात्र होंगे। इन नए नामों को जोड़ने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। ये काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि में अभी मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों को 2,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मार्च से अब तक प्रदेश में 2.4 इंच बारिश भी हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 11.3 मिलीमीटर से 4 गुना से ज्यादा है। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च अप्रैल में 14 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुए हैं। वहीं चक्रवात और ट्रफ लाइनें भी गुजरी, अभी से 3 सिस्टम एक्टिव हैं। इस कारण बारिश का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार को प्रदेश के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।